राजा माना राधे राधे। भजन आज लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा वायरल है, इतना ज्यादा वायरल है कि इस पर लाखों करोड़ों रील्स बन चुके हैं। यह हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन ये जितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है उतना ही ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में घिरा रहा, क्योंकि हर कोई इसे अपना भजन बता रहा है। लेकिन जीतू शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल और कई इंटरव्यू में ये बताया है कि रियल कंपोजिशन भजन राधे गोविंदा की है। जिन्होंने उनका छोटा सा कॉम्पोजिशन जो हमने हर हर शंभू शिव महादेव गाया है वो भजन राधे गोविंद का उस लाइन का कॉम्पोजिशन से लिया गया है, जिसको अच्युत गोपी जी ने दिया है और ये एक कृष्ण भजन है और मैंने इसे शिव भजन के रूप में इसके लिरिक्स खुद लिखे हैं और इसको गाया मैंने और अभिलक्षा पंडा ने है। जब मैंने इस भजन को 5 मई 2022 को अपने चैनल जीतू शर्मा में डाला था तब उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अच्युत गोपी जी को क्रेडिट दे दिया था और उनसे परमिशन ले लिया था। अच्युत गोपी जी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये कंपोजिशन कृष्ण भजन के रूप में तो था ही, लेकिन अब शिव भजन के रूप में भी रहेगा। लेकिन आपको पता है अच्युत गोपी जी और उनके भाई ने हजारों अमेरिकन को हिंदू धर्म में लीन किया है और ये बहुत ही बड़े विदेशी देशभक्त हैं। आप इनकी कहानी सुनकर हैरान हो जाओगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अच्युत गोपी जी एक न्यूयॉर्क में रहने वाली एक विदेशी महिला है जो अमेरिका में ही नहीं देश विदेश में अपने कीर्तन भजन के लिए जानी जाती है। ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं। अच्युत गोपी जी ने हजारों कृष्ण भजन लिखे हैं। उसके लिए इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये ग्रैमी नॉमिनेटेड है। अच्युत गोपी जी ने अमेरिका के लोगों को ही नहीं दूसरे देशों के लोगों को भी कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है और इनसे कई लोग इन्फ्लुएंस होकर हिंदू धर्म भी अपना चुके हैं। अच्युत गोपी जी की वजह से कई हजारों और लाखों लोग आज हिंदू धर्म में लीन हो चुके हैं। अच्युत गोपी जी बचपन से ही कृष्ण की ओर आकर्षित थी। जब ये स्कूल से आया जाया करती थी तो वहीं एक मंदिर था और ये कृष्ण भजन सुनकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग न्यूयॉर्क के टैलेंटेड अनलिमिटेड हाई स्कूल से की है और यहाँ पर इन्होंने ड्रामा मेजर कोर्स किया है और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन हंटर कॉलेज से क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश में किया हुआ है। फिर इन्होंने उसी कॉलेज में प्री एडमिशन काउंसलर एंड रिक्रूटर की पोस्ट पर जॉब की, लेकिन 2011 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, मैं कृष्ण भक्ति करने के लिए बनी हूँ। कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। इनको देखकर इनके भाई अनंत कुफी भी कृष्ण भक्ति करने लगे। अच्युत गोपी जी का पूरा परिवार हिंदू धर्म को अपना चुका है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर कृष्ण भजन करता है और अब और इनके भाई कीर्तन भजन करते हैं और लोगों को कृष्ण के बारे में बताते हैं। 3 साल पहले की बात है, अच्युत गोपी जी एक जगह कीर्तन कर रही थी और वहाँ पर उन्होंने भजन राधे भजन गाया और एक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और उन्होंने एक YouTube चैनल पर उस भजन को डाल दिया और वहाँ पर आपको बहुत विदेशी भजन करते हुए मिल जाएंगे, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन तब वो भजन उतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ था, लेकिन 14 जनवरी 2022 की बात है, किसी ने इस भजन का रिमिक्स बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया और ये देखते देखते बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। इस भजन पर कई विदेशी लोगों ने रील्स बनाए। और ये भजन पहुंचा जीतू शर्मा जी के पास, उन्हें ये भजन बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने अच्युत गोपी जी से परमिशन लेकर शिव भजन हर हर शंभू बनाया और आज वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अच्युत गोपी जी ने तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी गोविंद गर्ल के नाम से बनाई हुई है, जहाँ पर 133K फॉलोवर्स है, जहाँ पर ये कृष्ण लीला है और सभी देवी देवताओं के बारे में बताती है। आप एक बार जरूर जाकर इनके इंस्टाग्राम आईडी पर विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी लेखक है, इन्होंने प्रेम माला नामक किताब लिखी है और उस किताब को पुरस्कार भी मिला हुआ है। अच्युत गोपी जी बताती हैं कि जब से मैंने कृष्ण भक्ति को अपनाया है मेरा जीवन पूरी तरीके से सफल हो गया है। और मैं लास्ट में वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि अच्युत गोपी जी ने जिस प्रकार कृष्ण भक्ति को अपनाया है और उनसे प्रभावित हुई है और उसी प्रकार वो कृष्ण भक्ति के बारे में और लोगों को बता रही हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर रही हैं,
इनकी वजह से ही कई विदेशी हमारे सनातन धर्म हिंदू को जानते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हम लोगों को इंतज़ार रहता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर करिएगा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर करिएगा शेयर, ताकि उनको भी पता चले कैसे एक विदेशी कृष्ण भक्त विदेश में हमारी कृष्ण भक्ति फैला रही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो। हम लोग हमेशा ऐसे ही रियल और अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। ऐसे रियल और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।